भाइयों नमस्कार, स्वागत है यूट्यूब चैनल उदयवीर अहलावत पर। भाइयों आज हथछोआ गांव में पहुंचे हैं, चौधरी विनीत के खेत पर। और ये इनका जो है फागण का गन्ना है भाइयों, ये जो इस साइड में खड़ा और इस साइड में गेहूं की बुआई है। आज विनीत भाई से बात करेंगे, इनके खेत के विषय में भी सारा कुछ जानेंगे। इन्होंने क्या क्या डोज दे रखी और क्या तैयारी करके बोया था भाई। ये देखो भाइयों, इस साइड से भी दिखा देता हूँ मैं एक बार। ये इस तरीके से खड़ा, ये इनका गन्ना। आओ जी मिलवाते हैं किसान भाई से। नमस्कार जी। नमस्कार जी भाई साहब, अपना परिचय दो थोड़ा सा। मैं चौधरी विनीत सिंह तोमर जी, गांव अच्छा जी जी, जिला शामली, तहसील ऊन जी। बहुत बढ़िया जी, आपका स्वागत है जी जी गांव में हमारे। बहुत बढ़िया जी। अच्छा जी, ये जो गन्ना लगा रखा है जी, ये कौन सा बीज है जी? 38 है जी। अच्छा, 238। अच्छा हाँ जी। और कितने इंच बुआई है जी इसकी? यू जी 32 इंच पे बुआई करी जी, शादी विधि थी। अच्छा जी जी, शादी विधि है। अच्छा, कब की बुआई है जी? फागण की बुआई है जी। यू मार्च में गन्ना बोया था जी। जी और जी मार्च में निराई गुड़ाई करके अच्छी तरह से बैक है जी, और जी बोया था जी। जी जी जी। अच्छा, तो और भी बीज की ट्राई कर रहे हैं के 38? हाँ जी, दूसरा भी है, एक वो है 0014 है जी, क्या 214 जी, नया 18 है जी। और जी एक नया जो 18 दिया मिल ने जी, गागोर मिल ने जी। और जी क्या नाम, एक है वो 31 है जी। अच्छा, 0231। अच्छा जी जी, चलो तीन बीज है मेरे। हाँ, मतलब आगे उनकी ट्राई कर रहे हैं। हाँ जी। और यू पहला है जी, जो 38 जो फैल कहेंगे खो गया जी, मेरे उसमें तो फैल नहीं हुआ। नहीं, इस साल तो अच्छा खड़ा, अच्छी फसल खड़ी जी, पिछले साल भी अच्छा खड़ा था। और आपका तो बहुत ही शानदार खड़ा जी। जी, फागण का भी गन्ना बोवे हैं और सैडी का भी बोवे हैं जी, गेहूं का अटने के बाद में जी जी। और जी मारे तो बढ़िया खड़ा जी गन्ना जी जी जी। ये देखो जी, और आप देख लो। हाँ जी, बहुत बढ़िया खड़ा जी। ये देखो भाइयों, ऊपर तक चोटी तक हरा है और हाइट भी बहुत ज्यादा हो रही। आ जाओ जी, एक बार अंदर को भी दिखा दो। चलो जी, चलिए एक बार और आ जाओ भाई। अच्छी फूट है जी, है जी, मुड्ढे जैसा गन्ना खड़ा जी। बिल्कुल बिल्कुल, यू है जी। देखो ये देखो भाई, ये गन्ना, ये देखो कहाँ तक कितने मोटे गन्ने हो रहे। और दूसरा खेत भी दिखाऊंगे जी, भी पास में ही है जी जी। अच्छा, इसमें शुरू से क्या लागत रखी जी, लागत का बताइए थोड़ा सा। शुरू में जी जैसा बोए हैं हम, तो शुरू में पहले तो शोधित करें जी कांची को जी, और जी उसके बाद में हम रिजेंट डाल लें जी, और जी यूरिया भी डाल लें कुछ बुआई में। हाँ जी, और DAP भी डाल लें। कुछ खेत हमने NPK भी बो के देख रखे जी, सभी खेतों में अलग अलग खाद डाल के अलग अलग अंदाजा लेकर देख रखा जी जी। ये हमारा शुरू में जो है बुआई का है। चलो जी, उसके बाद में हम जो है जब कोर देवे जी जी, कोरोजन की स्प्रे कराए जी, बढ़िया अच्छी तरीके से करके जी। और उसके बाद क्या नाम, हम इसकी निराई गुड़ाई करें और फिर इसे छोड़ दें जी, और पूरा खेत तैयार हो जाए। उसके बाद में स्प्रे चालू कर दें, यूरिया की मात्रा फिर उसके बाद में हम कम रखें जी, बहुत ही कम। अच्छा, लगभग यूरिया कितनी बार दे दिया होगा जी? यूरिया जी हमने सिर्फ 2-3 बार दिया जी, तीसरी बार बहुत ही कम डोज दी थी लास्ट में। अच्छा, और यूरिया में कुछ मिलाकर डालो दवाई के खाद? यूरिया में डाल रहे जी, पहले तो शुरू में तो जैसा उस पे कोर पे डाल लें जी, मैं फूट की दवाई डाल लें जी, और जी क्या नाम उसकी साथ में वो प्रोडान भी डाल लें, और जी कार्टब भी, जो भी उसकी साथ में प्रोसीजर है जी, वो डाल लें। शुरू में उसकी बुआई में वो भूल गया जी मैं, उसमें थाइमा थोकसाम भी लगा हुए हम। अच्छा, कीड़े शुरू में? हाँ, वो कीड़े के लिए, लाल मुखे कीड़े के लिए जी जी जी। बिल्कुल बिल्कुल, चलो जी। और स्प्रे कितनी होगी? होगी लगभग, स्प्रे होगी जी इस पर लगभग 5 स्प्रे कर दी जी। अच्छा जी, और जी छठे की तैयारी है। अच्छा, एक और करोगे अभी? एक और करेंगे जी, लास्ट बड़ी बाजा। हाँ हाँ, वह करेंगे जी। हाँ नहीं, इसमें जब यहाँ तक आगे तो ढील नहीं करनी चाहिए। हाँ जी। अच्छा, एक बार हाइट दिखाइयो जी। हाइट बहुत अच्छी हो रही जी करने के। और अब की बार भाइयों थोड़ा सा समस्या बन गई थी जी, पारिवारिक जी, थोड़ा ध्यान नहीं दे पाए। इस तो भी अच्छी पहली फसल थी हमारी। अच्छा जी, पिछले साल की? पिछले साल की हमारी फसल जो थी जी, 114 तक हमने गन्ना, 20 तक हमने गन्ना काटा जी। अच्छा जी। हाँ जी, पर बीघा में। अच्छा, यही बुआई पे? इसी बुआई पे। अच्छा, 38 इंची पे। हाँ, तो और अब की बार हम क्या नाम,
जो है ट्रेंच विधि पे गन्ना बोवेंगे जी, और कुछ रिंग पीट विधि भी बोवेंगे जी जी, जो नई नई जो हमने वो पोत तैयार करी उसे 0214 की जी, और जी वो जो है थारा जो दिया मिल रहे नया जी जी, और जी क्या नाम 31 की नहीं, उसमें अपना प्रयोग करके देखो, रिंग पीट भी थोड़ा लगा के देख लो, थोड़ा लगाऊंगे जी, 5-7 बीघे लगाऊंगे, बड़े किसान है ऐसी बात नहीं है जी जी, बिल्कुल बहुत अच्छा गन्ना हो जी, और गाँव वाले उन्हें भी पता अक मेरे ते भी बढ़िया गन्ना जो है, मेरा बड़ा भाई गुरमीत चौधरी जो है जी, वो काट है जी, पूरे गांव ने पता है। सही सही जी, अच्छा जी, तो इस साल क्या एवरेज का अंदाजा कर रहे हैं जी? वैसे इब कह जी जो है 90-95 तो कती रहेगा जी, और जी और मेहनत सी होगी तो 100 पे भी चले जाएगा। अच्छा, पिछले साल लगभग ऐसा ही था? पिछले साल इस अच्छा था जी। अच्छा हाँ, जो 120 तक 114 तक 105 हमने खेत का क्या नाम एवरेज काटा पूरा जी। अच्छा, ये कितने बीघा खेत है जी? यू पूरा जो है जी 12 बीघे का खेत है ये वाला, और 12 बीघे का साइडी का परली तरफ खड़ा, इस तरफ परली साइड में, और हमारा खेत परली साइड में है जी जी। उसमें क्या नाम हमने नए जो पौधे है वह तैयार कर रखी जी, कुछ मुड्डा है जी जी, हमारा जी मुड्डा भी हमारा अच्छा खड़ा। अच्छा, जैसा पोगा बोइंग के लिए और दूसरी बीमारी के लिए क्या स्प्रे में क्या दवाई? पोगा बोइंग के लिए हम जी जो डाल रहे हैं खेत में जो स्प्रे कर रहे हैं हम जी मार्शल जी, और जी उसकी साइट में जैसा वो क्या नाम मार्शल की साइट में वो ओडी जी, ओडी जो आवे दवाई जी वह डाल रहे हैं जी, जी और जी उसकी साइट में फिर एक यू लगा लें रिजेंट जो लिक्विड में आवे जी, और जी सल्फर भी जी, बाद क्या 4-5 दवाई डाल रहे हैं जी, और जी उस तरह स्प्रे हो। बहुत बड़े 15वें दिन हम स्प्रे करें जी, 15 या 20 दिन के अंतराल में हम जो है स्प्रे करें। आई स्प्रे का ध्यान रखो इस पे जी जी, आई इसमें 38 में तो 38 में तो जरूर करना पड़े जी, अन्य फिर वो कीड़ा आ जा जी, जी जी, और वो कीड़ा हमारे खेत में कहीं भी नहीं है फिलहाल के टाइम पर, कहीं भी कीड़ा नहीं है, सारा का सारा गन्ना जो है टन चल रहा जी, देखो जी बिल्कुल साफ पड़ा, साफ गन्ना पड़ा बिल्कुल। हाँ, 38 ये देखो भाइयों, ये भी 38 है और सारा गन्ना A to Z बिल्कुल टन चल रहा है जी, कहीं भी हमारा जो है टुंडी नहीं है। अच्छा, देखो मोटाई भी ठीक हो रही थी, मोटाई दिखाई, गन्ने की मोटाई भी अच्छी है जी, गन्ने की मोटाई भी सही चल रही जी, गन्ने का क्या नाम इब्जा जो है आखिरी जो है हम कैल्शियम क्लोराइड डाल रहे हैं जी खाद पर जी, उसमें क्या नाम NP डाल लेंगे भला जी जी, ये यूरिया जी, ये देखो जी यूरिया गन्ना, गन्ना अच्छा चल रहा है जी, दूसरा खेत भी दिखाऊंगे जी, एक वीडियो उसकी बनवाऊंगे। चलो बहुत बढ़िया जी, जो साड़ी का है गन्ना जी, और कुछ क्या नाम फागण का है जी। चलो जी बहुत बढ़िया जी, ये देखो भाइयों, ये विनीत चौधरी की जो है ये आज गन्ने की फागण का गन्ना है, इनके खेत की वीडियो दिखाई मन्ना आपको, ये देख लो एक बार फिर सामने सारा बहुत ही शानदार गन्ना खड़ा भाइयों, साड़ी का गन्ना भी काफी मोटा ही ले रहा जी है जी, बढ़िया चल रहा जी साड़ी का भी। हाँ, ये साड़ी का भी, ये तो बंधवा दिया आपने? हाँ जी बंध गया जी। हाँ तो भाइयों, ये आज इनकी भाई की गन्ने की वीडियो दिखाई, उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर पसंद आएगी, सब्सक्राइब और लाइक करना, नमस्कार।